गरीब आदमी है, सारा किसान है, 500 रुपया लेने मजदूरी है। शाम का लाइट इसी आवे भगवान ने डंडा से रहना बिड़ते तो डाली है और चलो निकालने के बाद लाइन मानो को समझाओ भी गांव वालों को, इनकी शिकायत ये है कि वो फोन करते हैं दो बोतल भेज दे तो लाइट फुल। अब चिड़ावा में भी उपलब्ध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सेवाएं जयपुर के नव इम्पीरियल हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा, जहां आपको मिलेगी 3D तकनीक द्वारा घुटनों की सर्जरी और मोटापे से परेशान पेशेंट्स के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी की सुविधाएं। विख्यात जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गुप्ता। अब होंगे आपके सपने साकार ABS स्कूल में आकर। पायल हॉस्पिटल द्वारा संचालित आपका अपना ABS स्कूल प्रवेश परीक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था, नवोदय सैनिक और मिलिट्री की विशेष तैयारी हेतु चिड़ावा शहर में सबसे अच्छा स्कूल, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। तो देरी किस बात की, आज ही करवाई अपने लाडलों का एडमिशन खेतड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास चिड़ावा। पिलानी क्षेत्र से बड़ी खबर, काजी गांव के ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन के बाद मिला आश्वासन। दिन भर इंतजार करने के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। GSS परिसर में मिली खाली शराब की बोतलें, ग्रामीणों ने लगाया कर्मचारियों पर आरोप। कोर्तलब की पिछले एक हफ्ते से काजी गांव के ग्रामीण रिएक्टर हटाने की मांग कर रहे हैं। बार बार ज्ञापन देने के बाद आज हमीनपुर GSS पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। GSS का मेन दरवाजे पर कुंडी लगाकर ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। सहायक अभियंता सुरेंद्र कुमार के 5 घंटे बाद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अब ग्रामीणों को बिना रिएक्टर के सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक लाइट मिल सकेगी। इसी बीच GSS परिसर में मिली शराब की बोतलों को लेकर अधिकारी सख्त नजर आए और उन्होंने ठेकेदार को 3 दिन का समय दिया, अगर सुधार नहीं हुआ तो 3 दिन बाद कर्मचारी को हटा दिया जाएगा। ये लोड कंट्रोल रिएक्टर के बारे में आज काश्तकारी इकट्ठे हुए हैं, कह रहे हैं हमारे 3 फेज की सप्लाई की वजह, 3 फेज की मोटर की जगह हम सिंगल फेज की मोटर चलाते हैं और हमारे एरिया में पानी की कमी है, इस कारण से हमारे 3 फेज की मोटर नहीं चलती है। तो उनकी मुख्य मांग थी कि भैया मतलब 3-4 घंटे में सिंगल फेज सप्लाई और 5-6 घंटे में 3 फेज सप्लाई मिल जाए। इसके लिए मैंने मेरे उच्च अधिकारी एक्शन साहब से बात की है, उन्होंने 5 से लेकर सुबह 5 से लेकर शाम के 5 तक विदाउट लोड कंट्रोल रिएक्टर के दोबारा सप्लाई देने के लिए सहमति बनी। इसमें मैंने कॉन्ट्रेक्टर से बात की है, अगर उस कॉन्ट्रेक्टर को 2 दिन में 3 दिन में उस बंदे को हटा दिया जाएगा, अगर दोबारा उसकी शिकायत मिलती है तो नए बंदे लगा दिए जाएंगे उसकी जगह, और आगे से इसकी शिकायत मिलेगी तो मैं उसकी भी जांच करूंगा और उस पर कार्रवाई करेंगे। ये इस कारण से लगाए कि आपने इन फिल्टरों पर किया, डीएल के कनेक्शन तो बहुत कम है, नामात्र जैसे 300-400 कनेक्शन है जिनका सिंगल फेस में लोडिंग 30 एम्पीयर से ज्यादा नहीं आता है, जबकि लेकिन काश्तकार के पास में पानी की कमी होने के सिंगल फेस की लूपिंग करके मोटर चलाते हैं, उस कारण से उसका लोड 150 एम्पीयर 150 एम्पीयर चला जाता है, जिससे हमारा सिस्टम एम्बुलेंस हो जाता है। उस कारण से इसे लोड कंट्रोल के लिए इसे रिएक्टर लगाए गए। ये हमारे श्रीमान मुख्य प्रबंधक के आदेश के अनुसार और एसी साहब के आदेश अनुसार उन्हें लगाए गए। हमने पूरे पिलानी में 26 फीटरों पर हमारा जैसी प्रॉब्लम आ रही थी उनके हमने 26 फीटरों पर ये रिएक्टर लगाए गए। क्या समाधान निकाला गया है अधिकारियों द्वारा? अधिकारियों से बात हुई अभी, अधिकारियों ने जो हमारी मांगे थे उनको स्वीकार किया है। एक मांग पे थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई लेकिन वो भी 15 दिन का टाइम लिया उन्होंने, वो भी मानने के लिए तैयार हैं, और गाँव के लाइन वो अलग कर देंगे और ट्यूबवेलों की लाइन वो अलग कर देंगे। आज हाँ कुछ है, जब तक तक है वहाँ तक खुश हैं अभी तो, और बाकी इन्होंने 3-4 दिन का अल्टीमेट दिया है, वोल्टेज है वो उनका समाधान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी।